फिर कैसा पे भी आओगे तो क्या मतलब? अरे ये बात समझ में उड़को आना पड़ा नहीं। अरे हाल मोहब्बतें हैं, मैंने भी मोहब्बतों का ख्याल रखते हुए सोचा कि बस तो मेरी मिस हो गई, ट्रेन का टाइम नहीं, फ्लाइट भी नहीं, अब एक ही रास्ता है कार का, तो कार के जरिए से आया, खुद चलाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आया। बोलो माशाल्लाह, बोलो माशाल्लाह। फिर भी बेंगलुरु को पहुंचना नजर लगी तो मुश्किल है। काम होना ना, कार भी चलाने आता क्या? छोड़ को देखो हिंदुस्तान चलाता हूँ। कार क्या, अगर उलमा को आप मौका देंगे तो सारा आलम चलाने की ताकत अल्हम्दुलिल्लाह वारिसीन अंबिया के पास है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, चलाने वाले बेकार ही, बेकार लोग चला ले कोई। समझ नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। अभी तकरीबन 19 या 20 अप्रैल तक खुला बोलता नहीं निकाली, इशारे देखो हालात खराब है, चलाने वाले बेकार है, बेकार लोग दुनिया के मुल्क में, सारी दुनिया के मुल्क के लोग जमा हुए थे, अपने अपने मुल्क की शान बयान करना मजलिस का मकसद। ये बेटे सुनना बेटा, दुनिया के एक मुल्क में सारी दुनिया के मुल्कों के बड़े बड़े हजरात सुफरा बैठे। बैठने का मकसद क्या? अपने अपने मुल्क की शान बयान करना, हमारा मुल्क ऐसा, हमारा मुल्क ऐसा, हमारा मुल्क ऐसा। और लाजमी बात है कि हर मुल्क वाले को अपने मुल्क से ज्यादा किसी और मुल्क से मोहब्बत नहीं, चाहे वो मुल्क कैसा ही क्यों ना हो। जैसे हमारे बेंगलुरु में बोलते, कबे का बच्चा कबे को प्यारा, कबे का बच्चा कबे को प्यारा। एक मुल्क वाला उठिया बोलिया, हमारा मुल्क इतनी तरक्की में है कि हमारे मुल्क में कुत्ते गाड़ियां चलाते हैं। सब थालियां मारे, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि सामने वाले की तारीफ पर त्याग करना ये सबक किसी को नहीं है, सिर्फ ये है सबक तो इस्लाम के पास है, सामने वाला कोई अच्छा काम करता है तो माशाल्लाह कहो देखकर, सामने वाला कोई अच्छा जुमला कहता है तो सुनकर सुभानअल्लाह कहो। ये अज़बाक हमारे पास है इसलिए हम माशाल्लाह और सुभानअल्लाह बोलते हैं, तालियां नहीं मारते। ये अल्फाज दूसरी कौम वालों के पास नहीं है इसलिए वो तालियां मारते हैं। अरे ये बात समझ में मुंडी से भी हलर है बाबा। अरे ये बात, हर अच्छे जुमले पर सुभानअल्लाह बोलना बोलेंगे, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं बोलना, मेरी तकरीर कम तुम्हारा सुभानअल्लाह ज्यादा। आजकल हो रहा है ऐसा, मुकर्रर की तकरीर कुछ भी नहीं होती, सुभानअल्लाह का कौन ज्यादा होता, जहां बोलना वहां बोलो, तो सब तालियां मारे। अभी तकरीर शुरू करें नहीं, मेरा उन्मान जो है मैं जानता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह उसी पर बात करूंगा, मुकदमा बयान कर रहा हूं। सब तालियां मारे क्यों? इसलिए कि उस मुल्क वाले ने कहा हमारे मुल्क में कुत्ते गाड़ियां चलाते हैं, कार चलाते हैं। और एक मुल्क वाला उठा,
कहने लगा हमारा मुल्क इनके मुल्क से भी आगे है, इसलिए कि हमारे मुल्क में बिल्लियां बस चलाती। वेरी गुड वेरी गुड। और एक मुल्क वाला उठा, पूछना नहीं कौन से मुल्क का, वो बोलकर सुनते जाना। और एक मुल्क वाला उठिया, उठकर बोलिया हमारा मुल्क इससे भी आगे है, क्या बंदर फ्लाइट चलाते हैं। आखिर में एक मुल्क वाला उठा, बोलिया सब मुल्क वाले बेकार, हमारा मुल्क उससे भी आगे है, क्या हमारा मुल्क में तो गधे मुल्क चलाते हैं। हमारा मुल्क उससे भी आगे है, क्या के गधे मुल्क चलाते हैं, चलाने वाले बेकार। जर्रा सुन बड़ा हाजी साहब, चलाने वाले बेकार, नहीं चलाने वाले चलाते। मसल ये कार से आया आपकी खिदमत में मैं, और फिर फौरन दुआ के बाद सदर जलसा की मुस्तजाब दुआ के बाद मुझे फौरन बेंगलोर पहुंचना है, क्योंकि कल जुमा है हमारे बेंगलुरु में। बेंगलुरु में यहाँ भी जुमा, अरे वाह, हर जगह आता जुमा। कर्नूल में आता, हैदराबाद में आता, अनंतपुर में आता, जुमा में तो मुसलमान मसरूफ होता है और उलमा और भी ज्यादा मसरूफ। इसीलिए आज इस जुमेरात के दिन कोई लंबा सफर नहीं करता, लेकिन कर्नूल किया है तो इसलिए किया है कि कर्नूल से मेरे ताल्लुकात बड़े कदीम हैं, बड़े गहरे हैं। इसलिए मैं ज्यादा देर बात नहीं करूंगा, क्योंकि सफर करना है, आपको भी जाना है, जुमा के हुकूक भी आपको अदा करना है, समझे। बच्चे बैठे हैं, बोलू नहीं तुम्हें, समझ जाना ये सब बात, लेकिन बच्चे भी हमला ओवर टेक कर डाले हमारे से ज्यादा अच्छा समझते बच्चे, समझ में आई बात। मैं अक्सर एक लतीफा बयान करता, क्या एक बच्चा स्कूल से घर को आया तो माँ ने पूछा बेटे टीपू सुल्तान कौन, माँ को बच्चे ने कहा मालूम नहीं अम्मी, माँ डांट कर कही बेटे पढ़ाई पे ध्यान दो। अच्छा, एक आधे घंटे के बाद बच्चा को अम्मा से पूछा अम्मी परवीन अम्मी कौन, मालूम नहीं बेटे, बच्चा डांट कर बोलिया पापा पर ध्यान दो। बहुत आगे है बच्चे, बच्चों को बचपन दो, जवानी में अल्लाह के वली बने। बच्चों को बचपन दो, बुढ़ापे पे जमाना नाज करे। इनका बचपन हमने छीना, इनकी बर्बाद जवानियों का इंतजार करो। बच्चों को बचपन देने का मतलब क्या, सादी सीधी जिंदगी दो, इनको तरक्की से दूर रखो, दौर से दूर रखो, फितनों से दूर रखो, मोबाइल से दूर रखो, इंटरनेट से दूर रखो, टीवी से दूर रखो, बेहयाई और बेशर्मी से दूर रखो। हमारे असराफ की तरबियत के हिस्से इनको दो, इन बच्चों को वक्त दो। बाप बनकर जन्नत कमाल नहीं, बाप बनने के बाद इन बच्चों को वक्त देकर सही तरबियत से आरास्ता करना कमाल। इनको लायक बनो। यही वो बच्चे हैं जो 2030 और 35 के मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी बनने वाले, यही वो बच्चे हैं जो 2040 और 45 के अरशद मदनी बनने वाले, यही वो बच्चे हैं
जो 2035-40 के महमूद मदनी बन पाए। अगर इनको सादा सीधा इस्लामी बचपन नहीं देंगे, कंदूर के मुसलमानों, तुम्हारे जैसे से मैं सारी दुनिया को आवाज पहुंचाना चाहता हूं, तुम्हारे जरिए से मैं पूरे हिंदुस्तान को आवाज पहुंचाना चाहता हूं। अगर मुसलमान अपने बच्चों को उनका सही बचपन, इस्लामी बचपन, अच्छा बचपन नहीं देंगे, तो फिर ये बच्चे आइंदा जमाने में फिरौन के गुलाम बनेंगे, नमरूदों के गुलाम बनेंगे, शब्दादों के गुलाम बनेंगे। इन बच्चों को बचपन दो, इनकी मासूमियत की हिफाजत करो, क्योंकि बच्चों को दूसरी जुबान में मासूम कहा जाता है, मासूम कहा जाता है। और मासूम के बारे में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तीन जगह के मासूम है, एक बच्चों की जमात मासूम, दूसरा मलाइका की जमात मासूम, तीसरा अंबिया की जमात मासूम। कर्नूल के बाशऊर लोगों, अकलमंद लोगों, नौजवानों, मेरे एक एक लफ्ज को गौर से सुनो। अल्लाह के फजल से, नबी के सदके से, हमारे असातिज़ा के जूतियों के सदके से, वालिदैन की दुआओं की बरकतों से आपके सामने ये बेहतरीन बातें अर्ज कर रहा हूँ। जाती कोई कमाल नहीं, मासूम की तीन जमातें हैं अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक, एक जमात बच्चों की, एक जमात मलाइका की, एक जमात अंबिया की। मैं नहीं कहता अंबिया की जमात क्या है, मैं बताना नहीं चाहता, आप जानते हैं। मलाइका की जमात क्या है बताना नहीं चाहता, आप जानते हैं। लेकिन एक नुक्ता, एक पॉइंट बोलकर बात को आगे बढ़ाऊं कि अंबिया और मलाइका की जमात के साथ जिस जमात को अल्लाह तबारक व तआला ने जमा किया, वो जमात बच्चों की है। अगर इनके बचपन को बिगाड़ दोगे तो फिर इनकी ये शान बचपन की खत्म हो जाए। ये इनकी शान है। मैं एक बात अर्ज करूं सदर जलसा के हवाले से, आमतौर पर मैं कर्नूल को आता हूं तो आने से पहले नियत होती आधा पौना एक घंटा बयान करना बोलो। आने के बाद मेरा उन्वान तकरीबन डेढ़ दो घंटे हो जाता। एक मर्तबा स्टेज के नीचे घुसकुट देख तो नींबू नींबू है क्या? नारियल, नारियल, नींबू, कद्दू भी, लंबा कद्दू भी, गोल कद्दू भी, कद्दू को भी नजर को क्या ताल्लुक रे बाबा। और एक घर की इफ्तिता को गया हजरत, आप बड़े हैं, आप ये तमाम हालात और हादिसात देखे होंगे। मैं तो आपके सामने का बच्चा हूँ, सबक पेश कर रहा हूँ, बात तो इनके लिए है, सबक आपके लिए है। ये घर की इफ्तिता को गया तो घोड़े का पाँव है नाल, नाल। मैं पूछिया कब पे घोड़ा चढ़िया यहाँ? वो घर वाले बोले क्या हजरत, तुम्हारी निगाह हमेशा ऐसी चीजा पर पड़ती है ना। नहीं बोला पड़ती का तो तुम लगा नहीं पड़ती। पपर ना नारियल में है, ना नींबू में है, ना कद्दू में है, ना घोड़े के नाल में है, किसी में नहीं है। ये तमाम बातें आपके सामने आपके उलमा बयान करेंगे। मुझे इस दौर पुरफितर में ईमान की हिफाजत और उसकी जिम्मेदारी की बात करना है, उससे पहले मुकदमा बांध रहा हूँ। आज करना चाहता हूँ कि कल जुमा है, आपको भी तैयारियां करना है, मुझे भी जाकर तैयारी करना है, क्योंकि बयान करना है। हमारे बेंगलोर में जुमा आता है तो बड़े शान के साथ आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवान बड़े एहतमाम के साथ गुस्ल भी करते हैं, अच्छे कपड़े भी पहनते, जुब्बा भी पहनते, टोपी भी पहनते। कसीर तेदार में जुमे के मौके पर खतीब साहब के बयान से पहले मजमा मस्जिद में जमा हो जाता है। दूसरे जगह में का हाल है मालूम, जब खतीब साहब मिंबर में चढ़ को आधा खुतबा देती तब मस्जिद में घुसते हैं। बाज लोग तो फतवे देने की आदत पड़ गई होते, उर्दू तकरीर क्या भी जरूरी नहीं भाई, फिर जुम्मे के दोपहर के दस्तरखान में शामी क्या फर्ज क्या, कुफ्ते वाजिबुर, मौलवी सुन्नत मुअक्कदा। अगर आपको अरबी आती तो मिंबर की अरबी तकरीर आपके लिए काफी होती,
चूंकि आपको अरबी नहीं आती तो इसलिए आपको जगाने के लिए आपकी जुबान इस्तेमाल करना पड़ता है कि उर्दू तकरीर को सुनना मैं वाजिब तो नहीं कहूंगा, सुन्नत मुअक्कदा तो नहीं कहूंगा, हालांकि हाजरा की जरूरत तो है। सारी दुनिया के कौमों में जगाने का निजाम और निसाब अल्लाह ताला जुमा और मस्जिद को जो बनाया है ऐसा किसी कौम के अंदर नहीं बनाया। एक मस्जिद है और एक जुमा, तीसरा उलमा, ये तीन ऐसा सिस्टम हमारे पास है कि ये कौम अगर इन तीन चीजों से अपना रिश्ता मजबूत करेगी तो कभी सोएगी नहीं, इंशाअल्लाह ताला बेदार कौम रहेगी। एक मस्जिद, एक जुमा, जुमा का आधा पौना घंटा बयान काफी है, ऐसे जलसों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जुमे का हक अदा कर देंगे, जैसे आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, हजरत सदर जलसा तशरीफ लाए, लाने से पहले पूरी कुर्सियां जैसे आबाद हुई, पूरा मजमा जैसे आबाद हुआ, अगर जुमे का भी यही हाल रहा ऐसे जलसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी बैदारी के लिए जुमे के खुतबे ही काफी है। आए तो 5 मिनट 10 मिनट बेंगलुरु में एक मस्जिद के इमाम साहब को निकाल डाले, यहाँ निकाल देते इमाम नहीं निकालते, बड़े अच्छे कमेटी वाले मई की बेंगलुरु में अपन तो पूरे इमाम को करमूल बुला लेते। अभी करीब में मेरे व्हाट्सएप में एग्जाम में सब कुछ कर बोले मैं व्हाट्सएप पढ़ता नहीं हूँ, तुम्हारा पढ़ना जरूरी है। बोला क्या पैसा रंगा इन्हें भेजा सुखो बोलकर मैं उठा को देखा तो माफ फरमाना करनो के जिम्मेदारों को नहीं बोलता हूँ, लेकिन वो पर बोलने की तो आदत है मेरी बीमारी हो, इलाज रहा तो करो। मैं किसी से डरते नहीं साहब, हुआ तो हुआ नहीं तो हवा हमारा मसला। तो व्हाट्सएप में क्या बोला था, शैतान को भी मस्जिद के सदर के दरमियान बहस भी करते, तू बड़ा क्यों भाई बड़ा। शैतान बोला कहते हैं तेरे से ज्यादा पावरफुल भाई। कैसा भाई, भाई आदम को जन्नत से निकालिया। सदर बोला कहते हैं तेरे से ज्यादा पावरफुल मैं, कैसा, मैं इमाम को मस्जिद से निकालिया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाते जन्नत से भी ज्यादा मजेदार जगह मस्जिद है। हजरत अली ने फरमाया मुझे जन्नत को जाने से भी ज्यादा मजा मस्जिद को जाने में आता है। मैंने एक को भी जरूरत नहीं तो आए भाई, मैं क्या सोनो निगम का भाई क्या, बगैर भाई के भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पढ़ता, मैं एक को भी ज्यादा जरूरत नहीं, सब उन जरा देता हूँ बस। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया मुझे जन्नत को जाने से भी ज्यादा मजा मस्जिद को जाने में आता है। शागिर्दों ने पूछा हजरत जन्नत तो जन्नत है मस्जिद तो मस्जिद है, कहां मस्जिद है और कहां जन्नत, उसी कौन से जमाने की मस्जिद, अली के जमाने की मस्जिदों की बात, इस जमाने की मस्जिदें अली के जमाने की मस्जिदों से करोड़ दर्जे ज्यादा इमारत के एतबार से, तामीर के एतबार से बहुत आला है। क्या दरोजी भाई, क्या होश कादे, क्या फैन, क्या लाइट, आजकल तो एसियां भी खालीन भी इतने अच्छे, सजदे को गए तो नींद भी लग जाती, खाप भी पड़ता। हजरत अली के दौर की मस्जिदों के बारे में अली ने फरमाया
कि उस जमाने की मस्जिदें कैसी, कच्ची मट्टी की दीवारें होती थी, खजूर के पत्तों का छत होता था, धूप की सुहाए भी अंदर दाखिल हो जाती थी, बारिश का पानी भी आ जाता। सहाबा फरमाते हम नमाज पढ़कर जब घर को जाते, हमारी पेशानी में लगी हुई मिट्टी को हमारी बीवी हमारे बच्चे पाक करते, हमें पता तक नहीं चलता कि हमारी पेशानी में मिट्टी थी, क्योंकि उनके सजदे इतने बाखुशू थे। कच्ची थी ना फर्श, सजदे पूरे तो लगता था, मिट्टी लगती थी, नमाज में पोसते भी नहीं थे, क्योंकि पता नहीं कि उनके जिस्म में क्या लगा। मिट्टी लगना तो दूर की बात, के सहाबा की नमाजें इतनी अच्छी थी कि तीर भी लगती तो पता नहीं चलता। आप मच्छर काटा तो नमाज में कमेटी बदलाना है बराबर नहीं, मच्छर को भी कमेटी को क्या बता लिया हो। हंसने हंसाने की बात नहीं, इन लफ्जों को सुनकर मुझे भी शर्मिंदा होना है, आपको भी शर्मिंदा होना है। पूरी नमाज सीधा करना तो दूर की बात, मुसलमानों एक तकबीर सीधी कर लो, इंशाल्लाह ताला दुनिया हमारे कदमों में। पत्थर का जिगर फौलाद का दिल पारा पारा होता है, पत्थर का जिगर फौलाद का दिल पारा पारा होता है। जब नाम खुदा का लेता हूँ मैदान हमारा होता है। खाली अल्लाह बोले तो अल्लाहु अकबर बोले तो क्या होगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोले तो क्या होगा, कुरान की तिलावत का आलम क्या होगा, अल्लाहु अकबर नतीजे निकालो। 70 साल से एक मुल्क को हम फिर वापिस न ले सके, हमारे बुजुर्गों की रूह खबरों में तड़पती होगी, आने की इजाजत होती या आने की ताकत होती, ये आने का हुक्म होता, ये आने के मसाइल होते, फिर वो खबरों से उठकर आते, वो दुश्मनों को बाद में मारते, हम जैसे गद्दारों को पहले मारते। ढाई सौ साल की कुर्बानियां देकर हमने मुल्क तुमको दे रहा,